करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान में आयोजित तीन दिवसीय मेले का सोमवार को समापन हो गया। मेले में आज तीसरे दिन निदेशक डॉक्टर एम एस चौहान ने वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संस्थान इस प्रकार के मेलों का आयोजन करके किसानों को एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है जहां वे अपने पशुओं की उत्कृष्टता दिखा सकते हैं और उसका उचित इनाम भी पा सकते हैं, क्योंकि किसान के लिए आर्थिक सहयोग से ज्यादा पुरस्कार पाना ज्यादा अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि डेयरी मेले का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि 176 मिलियन टन के साथ हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में दूध उत्पादन में नंबर वन स्थान पर है, लेकिन कम पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। किसानों एवं डेयरी उद्यमों को एनडीआरआई के वैज्ञानिकों से संपर्क स्थापित करके डेयरी उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीकों को जानना चाहिए ताकि पशुपालन में आ रही समस्याओं को दूर किया जा सके। इस दौरान किसानों ने कहा कि डेयरी उद्योग तेजी से प्रगति कर रहा है, युवा हो अथवा महिलाएं आज डेयरी को अपनाना व्यवसाय बना रहे हैं। इस क्षेत्र में आय को दुगुना ही नहीं कई गुना बढ़ाने की क्षमता है। देश में डायरी और पशुपालन के उज्जवल भविष्य का नजारा करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में देखा जा सकता है। यहां देश के विभिन्न राज्य से सैकड़ों पशुपालक अपने उत्तम किस्म के पशुओं के साथ राष्ट्रीय पशु मेले में भाग ले रहे हैं। मेले में तीन दिनों तक अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें क्रॉस ब्रीड की बछड़ियों की सौंदर्य प्रतियोगिता में खेरी नरू करनाल के किसान गुरमीत सिंह की बछड़ी प्रथम स्थान पर रही। इसी प्रकार दो दांत से ऊपर की कटड़ी की सौंदर्य प्रतियोगिता में अनिल लजवाना कुर्द जींद प्रथम स्थान पर रहे और भैंसों की सौंदर्य प्रतियोगिता में भिवानी जिले की सुमन की भैंस ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर डॉक्टर एम एस चौहान की अध्यक्षता में किसान विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने किसानों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक यह विशेष रिपोर्ट। थाने में इस जो है एनडीआरआई जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो हमारे इसमें नाम डायरेक्टर हूँ मैं, और यहाँ पर जो हमारा तीन दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हमारे यहाँ जो भी तकनीकियाँ हमारे संस्थान के द्वारा या हमारे जो दूसरे संस्थान हैं सिस्टर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा जो डेवलप की गई है उनको हमें हमारे जितने भी किसान भाई हैं या जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुँचाना। तो ये तीन दिवसीय मेले में हमारा जो मुख्य जो प्रोग्राम है कि हमने लगभग 100 स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं, जिसमें हमारे एनडीआरआई के स्टॉल हैं, कुछ कुछ हमारे सिस्टर इंस्टीट्यूट के जैसे DWR है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च है, CSIR है, इनके भी संस्थान हैं, और उसमें जो इनके द्वारा या हमारे द्वारा जो भी तकनीकियाँ हैं उनको हम फार्मर्स को 1-to-1 जैसे आमने सामने हम उनको इसको बता रहे हैं और फार्मर्स इसमें अपनी जो रुचि ले रहे हैं। इसके अलावा आज दिन हमारा संगोष्ठी का इसमें आयोजन हुआ, हमारे दो हमारे जो संस्थान हैं उनके निदेशक महोदय भी यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी वार्ता की, अपने विचार रखे। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे यहाँ से टेक्नोलॉजीज हो रही हैं डेवलप हो रही हैं उसका सीधे तौर पर हम अपने जितने हमारे किसान भाई हैं उन तक पहुँचाना, और इसका ये डेयरी जो मेले का ये उद्देश्य रहा है। और कितने की जरूरत है इस समय? अगर दूध का उत्पादन है तो 176 मिलियन टन के लगभग है, इसको कहेंगे लगभग 17.5 करोड़ टन दूध उत्पादन हो रहा है, और अगर हम पर जो कैपिटा की बात करते हैं तो इस समय 350 के आसपास हम कहेंगे। हरियाणा पंजाब में दूध बहुत उत्पादन होता है और पीते भी ज़्यादा हैं लोग यहाँ पर, और इससे हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है हमें और काम करने पड़ेंगे ताकि उत्पादन भी और हो, और हमारे जितने भी हम प्रोटीन जैसे एनिमल प्रोटीन की हम बात करते हैं दूध से ही एनिमल प्रोटीन हमें मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे जितने भी पॉपुलेशन है उनको मिलेगा, और इस ओर हम बराबर ध्यान दे रहे हैं। डॉक्टर साहब कितने के किसान और कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन कौन से स्टेट से आए हैं? भाई इसमें मुख्यतः जो हमारे जो हरियाणा के तो हैं ही, इसके अलावा हमारे जो है राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और पंजाब से हैं, ये मुख्य हैं, और हमें कहा गया कि इसके अलावा जैसे हमारे छत्तीसगढ़ से हैं या दूसरे ये जगह से भी आए हैं किसान भाई। जिला हिसार गांव 7 रोड तला है जी, और ये हरियाणा नस्ल की 2 गाय ले आया हूँ जी। क्या खासियत है? दूध बढ़िया देती है और A2 मिले का इनका खासियत ये है। उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा सारे बहुत फायदे हैं, A2 मिले का बहुत फायदे हैं। कितने किलो दूध देती है ये? ये 16 लीटर दूध है जी इसका।
देसी है, देसी नस्ल बिल्कुल बिल्कुल प्योर देसी हरियाणा। तो ये पहले भी गए हो कहीं? नहीं पहले नहीं गए कहीं भी, तो पहली बार आए हो? पहले बार आए। और इसका घी वगैरह कैसे है? घी जी इस गाय का मतलब आधा किलो से ऊपर घी है। क्या रेट देते हैं दूध और घी? घी देते हैं 1500 रुपये किलो, दूध दूध देते हैं 50 रुपये किलो, हमारे यहाँ तो 50 ही बिकता है। कहाँ बेचते हो दूध को? दूध वहीं सेल हो जाता है, घर पे ही सेल होता है सारा। सरकार की स्वामी चिन्मयानंद, हम हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, सब श्री आशुतोष हमारे के शिष्य, हम खुद 800 साहिवाल गाय रखते हैं। हमारी गौशाला कामधेनु गौशाला है, भारत सरकार की तरफ से प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। जस्ट हम तो यहाँ NDRI का योगदान देखने के लिए आए हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन किसानों का ये करवाता है मेला डेयरी का, तो हम देसी गौ प्रेमी हैं जी, तो यहाँ हम साहिवाल को, हरियाणा नस्ल को, थारपारकर को देखने के लिए आए हैं। और बड़ी खुशी हो रही है कि किसानों में देसी गायों को लेकर बहुत बड़ी जन आंदोलन खड़ा हो गया है। आज किसान बहुत खुशी खुशी देसी गायों को अपने घर में जगह दे रहा है, और ये NDRI ये इनाम भी दे रहा है, कॉम्पिटिशन करवा रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, और आगे भविष्य भारत का देसी गाय है। स्वामी जी, आप आवारा काफ़ी आजकल देखा जाए, किसी सड़क पे चले जाएं, इधर खेतों में चले जाएं, गायें घूम रही हैं, उसको लेकर भी कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए जी। देखिए, इस देश में करोड़ों एकड़ गोचर भूमि है जो कि अभी गाय के हिस्से में नहीं आ रही, पता नहीं किसके पास है वो, अगर उसकी भूमि उसको मिल जाए तो ये समस्या हल हो जाएगी। और दूसरा इसका हल ये है कि हम ज़्यादा दूध के लालच में जो हमारी अपनी नस्लें हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंगली वी हैव बीन इग्नोरिंग दैट, हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, जो कि एक पक्षपात है। कम है देसी गाय का दूध, इतना कम भी नहीं है, अंग्रेजी की तुलना में कम है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, अमृत तुल्य है। अंग्रेजी का बीमारियां लगा रहा है, और साइंटिस्टों ने, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ने सिद्ध भी कर दिया है कि उसमें क्या क्या A1 तत्व आता है जो बीमारियाँ लगाता है। तो अभी भी तो जागने का समय, कम पी लें अच्छा पिए। अभी कई ऐसी नस्लें आई हुई देसी में जिसका 22-24 लीटर दूध है जी। हाँ बिल्कुल, हमारे पास खुद ऐसी गाय है जी साहिवाल के अंदर, साहिवाल वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड इन वर्ल्ड मैं कहूँगा, क्योंकि 40 प्रजातियाँ हैं देसी गाय की, हालांकि सभी देसी गाय माताएँ हैं हमारी, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड है वो साहिवाल है, हरियाणा पंजाब राजस्थान से जुड़ती हुई, पूरा इसका नेटिव ट्रैक है। तो हमें इस नस्ल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो भी समय था भारत के अंदर 1950 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब साहिवाल 25-30 किलो तक दूध देती थी, नेशनल अवार्डी थी ऐसी काउज, तो अगर हमने उस समय संरक्षण किया होता तो आज HF इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, इतनी अच्छी गाय थी। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब साहिवाल गाय का दूध की नदियां बहेंगी भारत के अंदर। बहुत बड़ा मेला, हम जम्मू प्रोविंस से आए, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हम आए, कोई 30 किसान यहाँ आए, तो बहुत बड़ा मेला है यहाँ, हमें अच्छा लगा। जो गायें हैं बड़ी बड़ी नस्ल की गायें हैं, बड़े बड़े अच्छे प्रोविंस जो लोगों ने देखे, अच्छा मेला, अच्छे मेले का आनंद उठाया लोगों ने, और काफ़ी बहुत बड़ा मेला ये लगा था। तो हमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, नदी डिपार्टमेंट बोलता गया हमें, आपको हम लेकर वहाँ चलेंगे, और वहाँ करनाल में बहुत बड़ा एक मेला होने वाला है। तो क्या देखा आपने यहाँ पे? जहाँ गायें, बड़े बड़े किस्म की गायें और बड़े बड़े किस्म की अच्छी अच्छी भैंसें हैं, जिनकी कीमत भी अच्छी है और दूध जूत देने वाली अच्छी है। हम ये गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारे जम्मू में भी ऐसी ऐसी नस्लों को यहाँ से भेजें, और किसान वहाँ से इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इनका इन्वॉल्व लतफ होता है। तो लोगों को डेयरी 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 फार्म के लिए, ये हम डेयरी फार्म के लिए इनके अपील करते हैं इसी गवर्नमेंट से और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से, और ये बड़े बड़े नस्ल की ये गायें हैं, भैंसे हैं, इनको भी जम्मू में वहाँ लाया जाए, और लोगों को, किसानों को, बेचारों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जो बड़े बड़े दूध देने वाली हैं, अच्छी गायें हैं। तो मेरा नाम मंजूर हुसैन है, मैं ब्लॉक बुढ़वाल से हूँ, तहसील बुढ़वाल से हूँ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।